अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज 270 हो चुके हैं। श्रीनगर में ही अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 12 हॉटस्पॉट रेड जोन, यानी अब प्रशासन की तरफ से सड़कों को सील किया गया है। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन की रिपोर्ट, देखें तमाम डिटेल्स हैं इसमें। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद के जितने भी हॉटस्पॉट्स देश भर में हैं उन्हें स्ट्रिक्टली वहां पर लॉकडाउन को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। श्रीनगर में भी प्रशासन हरकत में आती दिख रही है। यहां पर आप देख सकते हैं ये श्रीनगर का नटीपुरा इलाका है जहां रेड जोन जो है घोषित कर दिया गया है, और आप देखिए पूरी लोहे की सलाखों से इस पूरे एरिया को जो है सील कर दिया गया है। किसी भी व्हीकुलर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि ये रास्ता जो है यहाँ पर अगर हम बात करें नटीपुरा की तो 3 पॉजिटिव केसेस यहाँ पर कोरोना वायरस के मिले थे। हालांकि वो तीनों रिकवर हुए थे, लेकिन फिर भी जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए जो है ये कदम उठाया गया। आप देखिए कैसे परमानेंटली इसको जो है यहाँ पर बनाया गया है। इस पूरे एरिया को लोहे के गार्डर लगा दिए गए हैं, पूरी से इस पूरे मेन रोड का जो है नटीपुरा का उसको जो है बंद कर दिया गया है। और इन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी एसेंशियल कमोडिटीज का खास ख्याल रखा जाएगा। एक स्पेशल जो है कॉल सेंटर जो बना हुआ है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, वहां कॉल जाते ही जो है यहां तक प्रशासन के लोग पहुंचेंगे। तो जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जहां पर सीलिंग की गई है वहां पर जरूरी सामान की डिलीवरी घर में ही की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को दिक्कत ना हो जरूरी सामान से जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं, लेकिन आप घर में रहिए, एहतियात बरतिए, और जानकारी के लिए जी न्यूज देखते रहिए।